अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे चेहरे से आपको खुशियाँ ही दिख रही है, वो इस वजह से बिकॉज जिस तरह कल टीम पाकिस्तान कंपेटिटिव दिखी है, इस तरह चाहते हैं हम अपनी टीम को खेलता हुआ देखना। इसी बहादुरी से, इसी करेज से हम जाते हैं कि टीम पाकिस्तान इस तरह इतनी बहादुरी से खेले, बिकॉज इन लड़कों में बहुत कैपेबिलिटी है, ये हमको पता है। जब तक अपने पार पर ये खुद नहीं खेलेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे, बट जहां वो अच्छा खेलेंगे वहां शायद हम ही सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे। सो डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, कुछ थोड़ी बात जो है वो रमज़ान क्रिकेट के हवाले से भी करेंगे, बिकॉज रमज़ान इज़ राइट एट द कॉर्नर और बहुत क्रिकेट खेली जाती है कराची में, रमज़ान क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, कोविड की वजह से बहुत अरसे से हो नहीं रही थी, तो काफ़ी सारी डिस्कशन है। आज शाहिद खान आफरीदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बट मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। एंड यस इंडीड, अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और कुछ भरोसा नहीं होता ना इस टीम का, आप किसी दिन कुछ भी इसके बारे में बोल दें, यू रियली डोंट नो। वो कहते हैं ना कि यू डोंट नो विच साइड ऑफ द बेड डू दे वेक अप ऑन। और कल जो पाकिस्तान ने वाकई क्रिकेट खेली है, प्रॉपर मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट जिसको आप कहते हैं, यही सोच के जो है वो आपके हाथ पांव फूल जाते थे कि यार एक रिकॉर्ड चेस पाकिस्तान को करना है। 350 रन कहाँ पाकिस्तान से चेस होते हैं, लेकिन देखें जी एक ओवर पहले ही जो है वो आपने चेस कर दिया। बट बहरहाल जी, सीरीज इज़ 1-1 इक्वल एंड आई थिंक दिस इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान एक वीकेंड ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेल रहा है, वी शुड हैव टेकन इट टू दैट लेवल, लेकिन लग ये रहा है कि अब बहरहाल लग कुछ नहीं रहा। मैं कोई झगड़े लड़ाई झगड़े की हम बात नहीं कर रहे कि बाबर ने ये बोला फलाना बोला उसका क्या असर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान हैज टेकन दिस सीरीज टू अ डिसाइडर। सवेरा हमारा डिसाइडर में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लेट्स होप फॉर अ चेंज, वी विल एग्जैक्टली एंड लेट्स होप कि हमें इसी तरह की कारकर्दगी दिखे आगे और इस जो जीत है इससे बहुत कॉन्फिडेंस हासिल हो टीम पाकिस्तान को। बट क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्या हो रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी और बहुत कुछ हो रहा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो नजर डालते हैं व्हाट्सएप पे। सबसे पहले यही डिस्कशन, यही बात, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ओडीआई गद्दाफी स्टेडियम में कल खेला गया, जहां पे पाकिस्तान टीम ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। 349 रन्स का हदफ जो है वो एक ओवर पहले उन्होंने अचीव कर लिया। बाबर आजम और इमामुल हक की सेंचुरीज, फखर जमान ने जो है वो बड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और 67 रन बनाए, शाहीन शाह आफरीदी ने 4 इंपॉर्टेंट विकेट हासिल। एंड टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, यस बाबर आजम जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, 15 सेंचुरियां बनाने वाले, फास्टेस्ट टू दैट माइलस्टोन्स। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सेंचुरियों के माइलस्टोन में बाबर हैज़ बिन द फास्टेस्ट, लेकिन बहरहाल हाशिम आमला से 3 इनिंग्स पहले बाबर ने ये जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया। बहसियत कप्तान इनकी ये 4th सेंचुरी है और वेल वी रियली कांट से दैट बाबर इज़ इवन हाफ वे इन हिज करियर, सो पाकिस्तानी रिकॉर्ड इज ऑफ 20th सेंचुरी सईद अनवर का। यू नेवर नो कितनी जल्दी यह हो सकता है इसी साल में ही बाबर इसको अचीव कर लें। बिल्कुल जी, और जहां हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो बात कर रहे हैं, सारी नज़रें वहाँ हैं, बट डोमेस्टिक में पाकिस्तान कप ज़रूर जारी था और दो टीम्स यानी एक डिफेंडिंग चैम्पियन केपी खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी तरफ बलोचिस्तान का फाइनल में मुकाबला हुआ, और इस दफ़ा जो डिफेंडिंग चैंपियन थी खैबर पख्तूनख्वा वो अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी और बलूचिस्तान ने जीत हासिल की। बलूचिस्तान की जीत की अगर मैं बात करूं तो जबकि केपी की तरफ से कामरान गुलाम ने 70 रन ज़रूर बनाए, बट उनकी इनिंग्स जो है वो बिल्कुल रायगा गई। यासिर शाह वाज द स्टार बिकॉज उन्होंने 4 अहम विकेट्स हासिल की। यासिर शाह, आपको मैं याद दिलाती चलूँ, नेशनल टीम से फिटनेस की वजह से बाहर है, बट पाकिस्तान कप में 24 शिकार कर चुके हैं, विच मीन्स अब फुली फिट हो गए। विच इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग सवेरा, केपी की टीम्स आ रहे हैं, उनके शायद ना जीतने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में आधे खिलाड़ी केपी के खेल रहे होते हैं बलूचिस्तान के बेस्ट बॉलर जो है वो भी केपी के ही हैं। सो आई थिंक वो कहते हैं ना, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो है हमारा, दे आर गोइंग थ्रू अ पर्पल पैच एज फार एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान क्रिकेट इज कंसर्न। और हमारे केपी के ही एक ज़बरदस्त से फास्ट बॉलर उमर गुल जो हैं, उनको अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉलिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया है 3 हफ्ते के लिए। 4 अप्रैल को वो ज्वाइन कर रहे होंगे अफगानिस्तान टीम को अबू धाबी में, जहां पे उनकी टीम का कैंप जो है वो जारी होगा। सुनने में ये भी आया है कि केपी के एक और पाकिस्तान के मायनास प्लेयर यूनुस खान जो हैं, उनको भी अहम कोचिंग जिम्मेदारियाँ अफगानिस्तान बोर्ड दे सकता है। बिल्कुल जी, सो ये अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो जाके दूसरे ममालिक की कोचिंग करें, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एंड वेरी
ब्राइट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जहां हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, अब थोड़ी सी फुटबॉल की बात करते हैं। कल हमने काफ़ी डिटेल में फुटबॉल के हवाले से डिस्कशन की थी। अच्छी खबर पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ये है कि बहुत ही ओवरवेलमिंग एक रिप्लाई आया। सारे जो ममालिक इन्वॉल्व थे उसमें से सिर्फ चार ऐसे मुल्क थे जिनको शायद कुछ रिजर्वेशन थी, वरना बाकी सारे ममालिक ने जो है वो वोट किया पाकिस्तान के फेवर में कि ये अनबैन कर देना चाहिए, फीफा को अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से बैन हटा देना चाहिए। आज दोहा में ड्रॉज होंगे, जो फीफा होने वाला है दोहा में उसके ड्रॉज होंगे, उसके स्केड्यूल के ड्रॉज होने हैं। और फीफा की जो नई रैंकिंग है उसके मुताबिक ब्राज़ील नंबर वन टीम की हैसियत से इस ड्रॉ में शामिल होगा। 29 टीमें जो है वो क्वालिफाई की हैं, तीन टीमों का फैसला अभी भी होना बाकी है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप रवा साल 21 नवम्बर से 8 दिसंबर तक कतर में खेला जाएगा। So ये आज की सारी जदील अपडेटेड खबरें। मुझे ये लगता है कि हमें जरा ना थोड़ी सी जो मैं तो बड़ी ओवरवेल्म्ड हूँ जिस तरह टीम पाकिस्तान ने कल परफॉर्म किया है। और यही वो वजह है अदील, जब हम शिकायत करते हैं, जब हम बात करते हैं कि क्यों हमारे लड़के अपनी पार पे नहीं खेल पाते, जब जब इन्होंने डट के खेला है, जम के खेला है, आगे बढ़ के आगे चढ़ के खेला है, बॉलर की लाइन और लेंथ को हिला के रखा है, वही एडम जैम्पा को इमामुल हक ने बाहर निकल के चौके मारे हैं, तो तब हम कहते हैं कि ये अब अपनी पूरी कैपेबिलिटीज पे खेल रहे हैं। कल क्या क्या किया मैच में हमारी टीम ने, हमारे इन लड़कों ने, ज़रा उस पर एक पैकेज है उस पर नज़र डालते हैं। और फिर वापस आएंगे, शाहिद खान आफरीदी को भी ज्वाइन इन करेंगे डिस्कशन में, और फिर डिस्कस करेंगे कल के मैच के हवाले से। बिल्कुल जी, ये ज़बरदस्त कारकर्दगी आपने देखी जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला, और जितने कॉन्फिडेंस और जितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई है। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि इमामुल हक ने सेंचुरी लास्ट टाइम भी की थी, पहले ओडीआई में की थी, बट इस दफ़ा जिस तरह तेज़ सेंचुरी की और अपने साथी प्लेयर्स पे जो है वो प्रेशर नहीं डाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। फ़खर जमान और इमाम ने एक अच्छा स्टार्ट ऑफ दिया, फ़खर जमान आउट होकर जाते हैं तो इमाम ने चार्ज करना शुरू किया और बाबर को वो स्वीट टाइम मिला सेटल होने के लिए। बाबर अपने उस स्वीट टाइम को लेकर सेटल होकर खेलना शुरू है, जहाँ इमाम की फिर विकेट गिरी और बाबर ने अपने आप को जो है वो तेज़ खेलना शुरू कर दिया और साथ रिजवान के सेंचुरी करने में कामयाब हुए। बाबर आजम जो है वो बहुत कुछ दिखाई दिए कल, और फिर जिस तरह रिजवान जो है वो ज़्यादा रन्स नहीं बना सके थे, मगर खुशदिल ने आके, खुशदिल शाह और इफ्तिखार के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी, खुशदिल ने आके जिस तरह फिनिशिंग टचेस दिए और फिनिश किया डोमिनेंस से, ये मैच जिस तरह फिनिश किया इट वाज कमेंडेबल के हर प्लेयर को अपना रोल पता था, हर प्लेयर को ये पता था कि हमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी वेल सॉर्टेड विन। बोलिंग में आई वुड से कि अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है जो हमें करनी पड़ेगी, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमें फील्ड प्लेसमेंट पे भी करनी पड़ेगी, बट जिस तरह अग्रेसिव बैटिंग पाकिस्तान ने कल की है, अब मेरे ख्याल से डिसाइडर जीतने के लिए अदील हमें इसी तरह अग्रेसिव बोलिंग तो हो ही रही है बट अग्रेसिव फील्ड सेटअप भी करना पड़ेगा, अग्रेसिव कैप्टनसी भी बाबर आजम को करनी पड़ेगी टू विन दिस डिसाइडर। बताए असल में जो पॉइंट था ना वो ये था कि कल पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जब पाकिस्तान देखें 350 ये सोच ही जहन में आ जाना, एक बहुत बड़ा एक आप टोटल चेस करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड चेस करने जा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान की टीम कल बैटिंग में मैदान में उतरी थी सेकेंड इनिंग में, और आई थिंक पहले मैच पे भी मैं इस बात को एम्फेसाइज कर रहा था, पाकिस्तान में जो फ़खर का पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में फ़खर जमान का शुरू में स्कोर करना, द मोमेंट ही ट्रिगर्स ऑफ द स्कोरिंग आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पिछले मैच में हुआ ये, फ़खर गॉट आउट अर्ली, टीम प्रेशर में आ जाती है, लेकिन बहरहाल जी आई थिंक इमाम अंडरस्टूड, आई थिंक कल की इनिंग खास तौर से इमाम को काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी दैट ही कैन कहते हैं ना अप द एंटी व्हेन ही विशेस टू, यानी बगैर टेंशन दिए तो पाकिस्तानों को जीतना ही नहीं ना मैच। एक मौके पे वाकई जिस वक्त रिजवान आउट हुए, रिजवान की अपनी डिसअपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से जो थी वो थी, लेकिन क्राउड में जो थोड़े बहुत लोग थे वो भी, और जो घरों में बैठे हुए मैच देख रहे थे उन सब के, जैसे कहते हैं ना कि ज़रा थोड़े से जज्बात ठंडे पड़ गए थे। बट खुशदिल हैड अ वंडरफुल प्लान, खुशदिल का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा पी एस एल में, हमने ख़ास तौर से देखा कि
फिनिशर की हैसियत से भी. कल आई थिंक एज अ स्पिनर ही गेव अ लॉट ऑफ रन. कल सारे स्पिनर्स ने बहुत रन दिए थे. आई थिंक 9.5 रन की इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की थी. लेकिन बहैसियत बैट्समैन वेरी क्लीन हिटिंग बाय खुशदिल एंड व्हाट ब्रिलियंट रोल ही कीप्स ऑन प्लेइंग. बल्कि अभी तो करियर का स्टार्ट ही हुआ. इंशाल्लाह अभी तो और बहुत मैचेस दिखाने. शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि हमने आपसे कहा था इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम लाला. वालेकुम सलाम सवेरा. लाला सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो. जिस तरह का कल, जिस तरह की एनर्जी कल डिस्प्ले की है टीम पाकिस्तान ने, यही हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे लड़के इसी तरह दमदार तरीके से जो है वो खेलें. बट कल के मैच में, कल की परफॉर्मेंस में और पहले ओडीआई की परफॉर्मेंस में लाला सबसे मेजर डिफरेंस क्या था? पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है. मेरे ख्याल में चेस बड़ा, इतना बड़ा टोटल चेस करना, स्टार्ट का अच्छा होना जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमेशा कहता रहा हूँ कि बॉलिंग बैटिंग दोनों का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा. लेकिन जिस तरीके से हमारे लड़कों ने चेस किया है ना, वो बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेले हैं हमारे. नो डाउट फखर एंड इमाम की आउटस्टैंडिंग इनिंग, बहुत ज़बरदस्त. इमाम माशाल्लाह बैक टू बैक 100 टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस 100 किया उस लड़के ने. अच्छा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और ये पिचेस है भी ऐसी कि बैट्समैनों को ऐसे मौके मिलते नहीं और ऐसे मौके जाया नहीं करने चाहिए बैट्समैनों को इतनी अच्छी पिचेस के ऊपर. एंड देन उसके बाद जो सवेरा इनिंग रही है, पार्टनरशिप रही है इमाम और बाबर के बीच में, वो बहुत जबरदस्त रही है. बाबर बहुत सेंसिबल, बहुत अच्छे तरीके से खेला. बस वो आखिरी अगर मैच पूरा खत्म करके चला जाता, वो जो चीज है वो मैं बाबर की देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह. कि बाबर जो है, जैसे बड़े बड़े विराट कोहली के नाम लेते हैं, अब एबी डिविलियर्स, ये सारे बड़े बड़े जो मैच विनर्स कहा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि बाबर के अंदर अगर मैच विनर की कैपेसिटी है, वो बन सकता है, तो व्हाई नॉट उसको मैचेस इसी तरह जितवाने चाहिए इंशाल्लाह. एंड देन जो पोजीशन काफ़ी अरसे से मिस हो रही थी कि इफ्तिखार आपके पास नीचे है जो कि बहुत अच्छी हिटें मारते हैं. एंड देन खुशदिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. खुशदिल एक ऐसा प्लेयर आगे फ्यूचर में होगा इंशाल्लाह जो कि अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाएगा. पहले मैच की अगर बात करें तो पहले मैच के साथ देखिए उनमें जो गलतियां हुई हैं, इससे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर किया है इन्होंने. इन्होंने जो मेन चीज़, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत लंबी है सवेरा, और इन पिचों पे अगर बैट्समैन रन नहीं करेंगे तो फिर किधर करेंगे? तो बॉलर्स के लिए मुश्किल है, सिचुएशन मुश्किल है बॉलर्स के लिए, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप 9 रन 10 रन के एवरेज से आप हमारे स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं. सारी ज़िंदगी इन्हीं पिचों पर इन्होंने बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में हमारे स्पिनर्स को चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियंस स्ट्रगल करते इस कंडीशन में हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है, बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली है. लाल बैसे आप भी ज़ाहिर है स्पिन बॉलर रहे हैं, अभी मैं वैसे सवाल कुछ और ही पूछना था, लेकिन अभी जब आप ये पॉइंट लेकर आए हैं कि जी हमारे स्पिनर्स को उनको टफ टाइम देना चाहिए था, अब कंडीशंस बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स हैं जहाँ पे बॉलिंग करा रहे हैं, क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं? अगर आप उनको कोई मशवरा देना चाहें हमारे स्पिनर्स को, ऐसी कौन सी तकनीक में तब्दीली करें कि यहाँ पर भी कम अज़ कम अगर विकटें ना लें तो कम अज़ कम 9.5-10 रन भी तो ना दें? देखिए आपको इन पिचेस के ऊपर आती हैं, ऐसी पिचेस आती हैं जहाँ बॉलर स्ट्रगल करता है, लेकिन जो मैं बात पहले भी कर चुका हूँ आप लोगों से कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको अभी से बताऊं कि जैसे इनके पास आसिफ आफरीदी बैठा हुआ है, उस लड़के को मैंने बहुत क्लोजली देखा है. वो लड़का इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉल करता है, विकेट टू विकेट एक्सपीरियंस है उसको, बॉल अपने बॉल को करना आता है, पिच के हिसाब से अपने डिलीवरीज करता है. तो मेरे ख्याल में इन पिचेस पे वेरिएशन, मुझे वेरिएशन नजर ही नहीं आ रही. एक ही तरीके से लाके बस बॉल फेंके जा रहे हैं. नहीं, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट है. थोड़ा हल्का करो, थोड़ा सा तेज करो, हर बॉल एक तरीके से ना करो. आप बैट्समैन को थोड़ा सा जो है वो सोचने का मौका दें कि यार अब अगला बॉल क्या होगा. विकेट टू विकेट, लाइन ऑन लाइन सबसे बेस्ट है, ऑफ स्टंप एंड मिडिल स्टिक, और थोड़ा सा बैट्समैन से अवे वहां करना पड़ेगा. यहाँ पे विकेटें मिलेंगी, ऐसी बात नहीं कि विकेटें नहीं मिलेंगी. अगर आप मुंह में बॉल कर रहे हो या स्टंप से आउटसाइड बॉल कर रहे हो, तो वो तो फिर आप बैट्समैन से उम्मीद ही रखेंगे ना कि वो रन करेगा. बिल्कुल. और अब सैटरडे को जो है वो डिसाइडर खेला जाएगा. ये इस सीरीज़ का आखिरी मैच, 3 मैचेस की ये सीरीज़ है, और अब डिसाइड होना है. क्योंकि लाला ऑस्ट्रेलिया को हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कमबैक करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है. जख्मी हुए हैं वो भी, और पाकिस्तान टीम ने मोमेंटम ज़रूर पकड़ा है इस जीत से, बिकॉज जिस तरह ये लड़के जीते हैं. कोई क्या तब्दीलियां कुछ करनी चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए? क्योंकि मैं तब्दीलियां अगर देखती हूं तो हमारे पास रिजर्व में अब बचे हुए हैं उस्मान कादिर हैं, मोहम्मद हारिस हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं और शाहनवाज धानी हैं. देखिए सवेरा, मैं नहीं समझता कि भी फिलहाल आखिरी मैच है,
वैसे अगर एक कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है टीम को चेंज करना जबकि आप जीते हुए हो मैच, तो अगर मेरी तरफ से तो एक ही चेंज बनता है, लेग स्पिनर की जगह जो है आप आसिफ आफरीदी को डालें, वो एक चेंज मुझे नज़र आती है। बाकी ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, हमारे बैट्समैन फॉर्म में हैं, अच्छा खेल रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस सबने की हुई है और इफ्तिखार से बैटिंग में मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इफ्तिखार भी जिस तरीके से वो लड़का खेलता हुआ आया है काफ़ी डेढ़ दो साल से, मैं चाहता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अहम रोल अदा करे। वैसे लाला मैं ऐसी ये सोच रहा था बात कल जब पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी, पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को बड़े अरसे बाद शिकस्त दी है अपने होम ग्राउंड पे भी। 98 में हम एक भी मैच उनको नहीं हरा पाए थे, उन्होंने क्लीन स्वीप किया था ओडीआई में हमारे खिलाफ, टेस्ट में 1-0 जीत के गए थे, अभी भी टेस्ट सीरीज 1-0 जीत गए, पहला वनडे भी जीत गए, तो चले कुफर तो टूटा अब खुदा खुदा करके ये वाला तो मामला अब हो गया सिलसिला। लेकिन बाय द वे 10 लगातार ओडीआई मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो शिकस्त दी है। प्रेशर तो होना है लाला ये सीरीज जीतने का, डिसाइडिंग मैच है, बिकॉज पाकिस्तान का डिसाइडर में जो है वो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, हम ऊपर आके अचानक आखिरी मैच में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अक्सर होता है पिछले 15-20 साल में हम कोलैप्स कर जाते हैं। सो क्या कप्तानी में कोई किस तरह टीम को मोटिवेट रखना है, किस तरह उनको जो है वो ये तवानाई देनी है कि ये मैच भी हम जीत सकते हैं? अदील देखें, प्रेशर तो होना है, वो तो कोई डाउट नहीं है, अब डिपेंड करता है कि प्रेशर लेता कौन है। अब ऑस्ट्रेलियन को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा क्योंकि वो प्रेशर में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से, क्योंकि बैट्समैनों से ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि बैट्समैन जितवाएं, कंडीशन बैट्समैन को सूट करती है, हमारे जिस तरह बैट्समैन फॉर्म में है, इस फॉर्म के साथ इस जो एक लास्ट मैच की कल की मैच की परफॉर्मेंस है उसको अपने अकाउंट में जमा करें, ठीक है, और नई परफॉर्मेंस जीरो के साथ शुरू करें। अगर पिछली परफॉर्मेंस को लेके जाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी अगला मैच। बिल्कुल लाला, एक और चीज़ ये कि बड़ी इस पे बात हुई कि बाबर ने फील्डिंग के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि इस दूसरे मैच में हमारी फील्डिंग लैप्सेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज पहले मैच में हमने बहुत सारे फील्डिंग लैप्सेस देखे थे और कंपैरेटिवली पहले मैच से दूसरे मैच के मुकाबले में अच्छी फील्डिंग दिखी। कितनी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है एक बॉलर और एक फील्डर के लिए, बिकॉज अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है और चांसेस निकाल रहा है और फील्डिंग में वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, हाउ डीमोटिवेटिंग इट इज फॉर अ बॉलर? मेरा फील्डिंग तो आप टेस्ट सीरीज देखे, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया अगर हारी थी कुछ, जो ऑस्ट्रेलिया हारी भी थी, सॉरी पाकिस्तान जो हारा, मिस कैचेस हमने ड्रॉप किए थे, इसके अलावा आपको 70-75% आपको मैचेस जो है वो फील्डिंग जीतवाती है। बॉलर से बैट बॉल होता है, 6 के 6 बॉलें अच्छी नहीं होती, बैट बॉल भी होता है, बैट्समैन शॉट भी मारता है, उसके बाद आप फील्डिंग से कवर करते हो, आप मेरे ख्याल में 20-25-30 रन जो है वो फील्डिंग आपकी कवर करती है, कवर कर सकती है, तो फील्डिंग तो हमेशा ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और मेरे ख्याल में हमारे पास ऐसे फील्डर्स हैं, ऐसे नौजवान तगड़े हैं जो डाइव मारना जानते हैं, जो बॉल को रोकना जानते हैं, और मेरे ख्याल में 11 के 11 तो मैं नहीं कहूँगा कि 11 के 11 ही अच्छे फील्डर होते हैं, लेकिन तकरीबन 6 से 7 लड़के ऐसे होते हैं जो फुली फिट होते हैं, जो पूरे सर्कल को और फिर आखिर के ओवर में बाउंड्री पे जो फील्डिंग करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि फील्ड कप्तान के लिए ईजी हो जाता है कि सर्कल में किन से शुरू में करानी है, फिर आखिरी के ओवर में कहाँ किसको यूटिलाइज करना है, किस फील्डर को कहाँ लगाना है, जो अच्छे फील्डर्स हों, तो ये तो कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली फील्डिंग लेने में। लाला, पाकिस्तान कप का फाइनल भी आज अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया है, शायद आपको पता हो कि केपी की टीम को शिकस्त हुई है, बलूचिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और यासिर शाह छाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है यासिर ने, बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग, वो सुपरमैन कैच देखा आपने उनका, तो वैसे अब मेरे ख्याल से वापसी तो बनती है यासिर की, अपनी फिटनेस तो उन्होंने साबित कर दी है। देखिए फिटनेस उसने, मैंने कहा था कि उसका कॉटन बोल्ट भी देखा, फिट है माशाल्लाह से, सीनियर प्लेयर है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बहुत आउट किए हैं उसने और बड़े मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए आगे के लिए जो भी हो। हाँ अच्छी बात है, अगर सीनियर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलने चाहिए, लंबे स्पेल खेलने चाहिए, लंबी लंबी बारियां लेनी चाहिए ताकि उनकी फॉर्म वापस आए, बिल्कुल इग्नोर करके नहीं रखना चाहिए, चांस दोबारा मौका देना चाहिए।
और जहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान कप की, तो बलूचिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंसेज आई हैं लाला, वो बहुत अच्छी हैं। हसीबुल्ला खान जो कि रेगुलरिटी में बलूचिस्तान की तरफ से परफॉर्म करते रहे, आज भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और साथ साथ अब्दुल बंगल जई, विच मीन्स कि हमें अच्छी बात यह है कि अलग अलग रीजन्स की टीम्स, क्योंकि केपी रेगुलरिटी में जीत रही थी पिछले साल भी, जो है पिछले डोमेस्टिक सीजन भी केपी ने तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो जीत हासिल की थी। इस दफ़ा बलूचिस्तान दिखी है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि अलग अलग रीजन में आपको अब अलग अलग प्लेयर्स भी निकलते हुए दिख रहे हैं और परफॉर्म करते हुए भी दिख रहे हैं। ये इनका ये वाला जो सीज़न है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सीज़न रहा है इनका। और देखें सवेरा, जिस तरीके से सिलेक्शन हुई है कि हर रीजन के अंदर डिफरेंट प्लेयर्स, चाहे कहीं से भी ताल्लुक हो, एक बैलेंस टीम, ताकि मैचेस अच्छे हों, कंपटीशन अच्छा हो। जैसे बलूचिस्तान की, अगर बिल्कुल बलूचिस्तान के लड़के होंगे तो मेरे ख्याल में वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए कि वहाँ पे आपको प्रोफेशनल लड़के चाहिए, ताकि उन लड़कों को, लोकल लड़कों को सपोर्ट मिल सके। ड्रेसिंग रूम शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किन सीनियर प्लेयर, किन नामों के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ बलूचिस्तान की टीम को, उनकी पूरी मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को, कि इस तरह की परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए। जिस तरह पिशावर 3 साल से कंटिन्यू जीत रहा है, इस बार फाइनल हार है, लेकिन ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं इनको, जैसे सवेरे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, इन प्लेयर्स को नज़र में रखना चाहिए, सीजन ख़त्म हो, इनको क्रिकेट अकेडमी में बुलाना चाहिए, क्रिकेट अकेडमी में इनमें ग्रूमिंग के हवाले से इनको पता होना चाहिए कि आपको अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपकी फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए, आपकी रूटीन डाइट की क्या होनी चाहिए। प्रोफेशनल चीज़ें ये हमारे सारे आके पाकिस्तान टीम में सीखना शुरू कर देते हैं। इन बच्चों को जो टैलेंटेड है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फ़ौरन अकेडमी बुलाएं, 1 महीने 1.5 महीने के लिए उनका ख्याल रखा जाए, उनकी चीज़ों को, जो चीज़ें ठीक नहीं है उनको ठीक करने की कोशिश करें, उनको फ़ायदा ही होना है वो अकेडमी से। एब्सोल्युटली, बलूचिस्तान की टीम जो है ना, वो वैसे भी इस लिहाज से वो ना एक गुलदस्ता वाली टीम है, उसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर बलूचिस्तान के अपने लोकल भी होते हैं, जैसे हमारे असद शफीक भी जो हैं वो बलूचिस्तान के, एंड इनफैक्ट असद शफीक हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट दिस टाइम, बहुत अच्छा वो खेलें। सो अच्छा, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है ना, ये मनाजिर भी आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस करी, आज ऑप्शनल प्रैक्टिसिंग डे था यहाँ पे। उस्मान कादर मेरे ख्याल से इस वक्त बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, सो चलें जी, अच्छी बात है, ये भी जरा प्रैक्टिस करते रहें। लाला, एक T20 मैच जो होना है, वो मैं ऐसी से थोड़ा सा T20 मैच भी एक इस सीरीज में है, और वो रमजान में पाकिस्तान में मैच हो रहा है ये, सो बड़ा एक रेयर सा था वाकया, ऐसा होता है ना रमजान में, कोई याद पड़ा है कि लिमिटेड ओवर मैच आपने पाकिस्तान में खेला हो इंटरनेशनल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सी बात है। पाकिस्तान में बाहर खेला, साउथ अफ्रीका वगैरह में खेला, इंडिया में एक आधा मैच हुआ है ऐसा। मतलब बड़े खिलाड़ी रोजा रख के क्रिकेट खेला करते थे काफी ज्यादा, मैंने देखा, आई थिंक यूनुस भाई तो अंटिल वेरी आखिर तक रोजा रख के ही मैच खेला करते थे। हाँ, अभी मेरा ख्याल से रीसेंट टाइम्स में जो है वो रिजवान भी रोजा रख के जो है उन्होंने मैच खेला है। बट लाला, जब रमजान, यूनुस खान को मैंने सवेरा देखा है, बड़ा बड़ी बात है, हमने भी रोजे रख के मैच खेले, लेकिन बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है, तो खासतौर पर जो सुबह मैच शुरू होते थे 10 बजे, वो पूरा दिन रोजे में और गर्मी, सख्त गर्मी, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा यूनुस और रिजवान को वो बड़ी हिम्मत है इनकी कि रोजा रख के खेलते थे क्रिकेट। बिल्कुल, और जब हम बात कर रहे हैं रमजान में क्रिकेट की, तो लाला कराची की एक शान है ये, जब रमजान क्रिकेट होती है कराची में, चारों तरफ जितने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं उन सारे स्टेडियम्स में अलग अलग रमजान क्रिकेट हो रही होती है। पिछले 2 सालों से ही वो नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोविड, मगर मैं उसका इम्पैक्ट लाला आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स, अब जो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, ये हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स इधर से उधर तितर बितर हुए हैं, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये, जो ये एक रमज़ान का जो महीना आता है जिसमें हमारे प्लेयर्स एक दिन में 3-3 मैचेस खेल रहे होते हैं, फाइनेंशियल उनको फ़ायदा भी होता है, उनको जाहिर सी बात है प्रैक्टिस भी करने को मिलती है, रमज़ान की एक गहमा गहमी एक मेला भी लगा हुआ होता है। सवेरे रमज़ान का हम तो फेस्टिवल, ये तो हम बहुत क्रिकेट खेली, हमने खुद भी रमज़ान में, रमज़ान की रौनक ही कुछ और होती हैं, और साल में एक महीना है ये, तो इसमें क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है। अभी नए नाज़माबाद में भी एक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है 6 तारीख से, इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा इफ्तिताह करने के लिए। इस तरह की इवेंट्स, इस तरह की क्रिकेट ज़रूरी है, बीच में रुक गई थी, कोई टूर्नामेंट नहीं करा सकते थे, पता नहीं कोई बोर्ड को पैसे देने पड़ते हैं, मुझे नहीं पता, सवेरा आपको बेहतर बताओ, बीच में हो नहीं रहे थे मैचेस, लेकिन इस रमज़ान में हर किस्म के प्लेयर नज़र आते हैं टीवी पे, खेलते हुए नज़र आते हैं, हम खुद जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं प्लेयर्स को, देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है,
क्लब्स इंगेज होते हैं, टैलेंट सामने आता है प्लेयर्स को, जिस तरह सवेरा आपने फाइनेंशियल की बात की है, हाँ बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पे प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलती है, जो भी प्राइवेट सेक्टर आते हैं इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको सपोर्ट करना चाहिए, पीसीबी को इसको ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए कि हर प्रोविंस के अंदर इस तरह की क्लब क्रिकेट वगैरह होनी चाहिए, अच्छी बात है ये तो। अच्छा वैसे मेरे ना पीसीबी के एक सीनियर अरबाब इख्तियार है, नाम मैं इस वक्त नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनसे मेरे साथ में 2 साल पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्चुअली इस क्रिकेट को जो रमज़ान क्रिकेट होती है और स्पेशली कराची का नाम उन्होंने लेके कहा था कि कराची का एक सर्टन ट्रेडिशन रहा है और ये कोई रिसेंट नहीं, दहाइयों से ये सिलसिला जो है टेकेट से चलता आ रहा है ये, उन्होंने कहा था हम इसको ओन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक कोविड की वजह से थोड़े से प्लान जो हैं वो इसमें ख़राब हुए हैं। लाला तो सिर्फ इफ्तिताह करने ही जा रहे हैं टूर्नामेंट का या कुछ खेलने का भी प्लान है इस रमज़ान में? यार मेरा तो रिहैब चल रहा है, अभी एक महीना है रमजान में, रिहैब कमर पे भी करना है और पेट पे भी करना है, पकौड़े शकोड़े कम खाने हमने और इंशाल्लाह सिर्फ जा रहे हैं, आरिफ हबीब साहब की इनविटेशन है तो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है बिल्कुल जी। अच्छा हमारे साथ जो है अब हमारे कोरेस्पॉन्डेंट भी ज्वाइन, अब्दुल कादिर ख्वाजा इस वक्त मौजूद हैं गद्दाफी स्टेडियम में जहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है ये और पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस सेशन के भी हमने फुटेज भी आप लोगों को दिखाई है। सो कादिर सबसे पहले तो वेलकम टू गेम सेट मैच, क्या क्या दिख रही हैं तैयारियाँ, जो प्रैक्टिस सेशन होता है इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा आपको होता है कि क्या कोई तब्दीली होने वाली है 11 में या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सवेरा, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में जारी है और 11 खिलाड़ी जो हैं वो आए हैं आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने, बकिया जो खिलाड़ी हैं वो आराम कर रहे हैं होटल में। और इस वक्त जो है वो अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं साथ, तो यहाँ पर जिस वक्त शादाब खान, अच्छी ये मुस्बत साइन ये है कि शादाब खान जो लेग स्पिनर है पाकिस्तान टीम के, वो इस वक्त बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजरी से जो है वो रिकवरी हासिल करके अब बॉलिंग भी प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दी है। गुज़श्ता 2 दिन हमें देखा कि वो जो है वो ग्राउंड के अतराफ चक्कर लगा रहे थे, अलबत्त उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं की। और जो बैटिंग है वो हैदर अली, आसिफ अली और खुशदिल शाह और इसके साथ साथ सऊद शकील और ये अभी सकलैन मुश्ताक भी जो है उनको बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ सामने खड़े हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको पिच नंबर 1 पर दिखाए जहां पर जो है वो कल मैच होगा, तो मोहम्मद रिजवान जो है जिस तरह उन्होंने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में तखयलाती शॉट्स जो है वो खेली थी और काफ़ी उनका मशहूर भी हुआ था कि वो इंडिया के खिलाफ उस तरह की शॉट्स अप्लाई की थी, आज भी उसी तरह सेम प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर। और पिच को देखकर जो है वो, हालांकि बॉलर सामने नहीं लगा लेकिन फिर भी जो है उसको इमेजिन करके इमेजिनरी शॉट्स खेल रहे थे। और रिजवान अभी दूसरे एंड पर भी जो बॉलिंग एंड है उसको भी देख रहे हैं, तो ये पिच भी तकरीबन 300 से ज़ायद रन वाली है। और क्यूरेटर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैटिंग सपोर्टेड पिचेज होंगी और जिस तरह गुज़श्ता रोज 350 रन चेज हुए हैं तो पाकिस्तान टीम का मोराल जो है वो आसमानों को छू रहा है। और बाबर आजम समेत पूरी टीम जो है वो पुरउम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अपना तीसरा फाइनल मैच जो मार्का है जो कल होने जा रहा है तीसरा वनडे, उसमें ऑस्ट्रेलिया को 4 निशाने जद करेगी। और अभी दूसरी जानब जो है ऑस्ट्रेलिया भी प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी हैं, शाहनवाज दानी भी है उसमें, हैदर अली भी है, सऊद शकील भी हैं उसके साथ, उस्मान कादिर भी हैं और जो बाकी अभी शादाब खान को देखा जाए तो वो भी हैं, तो ये लोग बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं काफी तवज्जो दे रहे हैं उनको, ये बात बोलिएगा कि रिजवान के जो तखयलाती शॉट्स हैं ना, ये इनकी ज़रा फुटेज अच्छी तरह बना लें, बिकॉज कल काम आने वाले हैं हमारे ये, बिकॉज हम फिर उस पर पैकेज बनाएंगे कि देखिए हमने तखयलाती शॉट्स को रिकॉर्ड किया और रिजवान बिल्कुल वैसे ही शॉट जो है वो आज मैच में खेल रहे हैं। वैसे एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो ये कि सीरीज डिसाइडर है, वीकेंड भी है, लाहौर भी है, इस बार तो क्राउड आ गई आवे डेफिनेटली आएगा। और ये तो कादिर हमें बताएंगे कि कल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, छुट्टी है, गर्मी हो या कुछ भी हो, डिसाइडर है, कहीं ना कहीं हमें अब दिखेगा जरूर कि गद्दाफी में क्राउड होगा जरूर। सवेरा दोनों मैचेस में आपने सुबह के टाइम की अगर फुटेज देखी हो तो उसमें क्राउड नजर नहीं आया, लेकिन रात के टाइम जो है वो क्राउड काफी भर गया था और काफी हल्ला गुल्ला था। अलबत्ता गुज़श्ता रोज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाजों पर भी पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से शाये किने क्रिकेट का वो हल्ला गुल्ला नजर नहीं आया। अलबत्ता जो तर्जुमान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया में जो शोर शराबा करने वाले हालात है वो ममनू है, लेकिन
कल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये है कि कल का हाउस फुल होगा और वीकेंड भी है, और अभी जो टिकट्स वालों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था तकरीबन 75% जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो इट मींस के लाहौरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। अक्सर दोपहर में धूप काफी तेज होती है, लेकिन कल वीकेंड है और कल इस वजह से कल तो बाजे अलाउ कर देने चाहिए। मैं लाला आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये मतलब ये जो सेलिब्रेशन होती है, ये एंटरटेनमेंट होती है, हम तो कोई मतलब 10 साल बाद इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तो 24 साल बाद एंजॉय कर रहे हैं, बट जनरली वैसे इतने कम हमारे मैदानों में मैचेस हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस इतने कम हुए हैं, तो ये जो एंजॉयमेंट है लोगों की, ये बाजे बजा रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, इस पे तो रोकथाम नहीं होनी चाहिए लाला। सवेरा अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं आप और अदील यहाँ पे चैनल पे बैठ के बजाते रहे। नहीं वैसे मैं तो खिलाफ है, मैं और अदील मैंने अब लाला मैंने सवेरा को यही बोला अगला मैच जो होगा ना नेशनल स्टेडियम में ये मेरे साथ हनीफ मोहम्मद एनक्लोजर में बैठ के देखेंगी और सामने ना वो बाजे बज रहे होंगे, इनको फिर पता चलेगा बहुत अच्छा काम किया पीसीबी ने, ये बाजे बैन कर दिए। बट बहरहाल आई थिंक वी हैव टू टेक अ ब्रेक सवेरा। मगर कादिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट किए, हम बस अब एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने शाहिद खान आफरीदी से और भी डिस्कशन करनी है, कुछ सवाल और भी पूछने हैं, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई, पाकिस्तान कप के हवाले से भी डिस्कशन हुई, और अब बिफोर वी मूव एनी फर्दर लाला एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो जाहिर सी बात है हम सबको पता है, जिस तरह क्रेजी फैन फॉलोइंग लाला आपकी, सब इंतज़ार इस वक्त ये कर रहे होंगे कि रमज़ान की विशेज आप जो हैं अपने फैंस को दे सकें, अपनी पूरी फैन फ्रटर्निटी को दे सकें। सो रमज़ान की विशेज लाला आपकी तरफ से। अच्छा रमज़ान तो बहुत बहुत मुबारक हो, बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो रमज़ान का महीना जिनको नसीब होता है, इस महीने को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। वैसे भी सिर्फ रमज़ान नहीं, इंसान के अखलाकियात, उनके अमाल, दूसरों की खिदमत करना, इसके जज्बे के साथ चलें, और जो चीज़ें आप रमज़ान में अवॉइड करते हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, कोशिश करें कि अल्लाह रमज़ान के बाद भी होता है, तो पूरा साल आपको अच्छी तरीके से अच्छे अमाल के साथ गुजारना चाहिए, और बहुत सारी दुआएं आपस में अपनी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जो जो मुसलमान, जो जो इंसान जहाँ जहाँ बुरे हालात में हैं, सब के लिए दुआएँ करनी चाहिए, ख़ासतौर पर वो लोग जो अस्पतालों के अंदर हैं, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। लाला थैंक यू सो मच, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर से दुआएं, बिकॉज ज़ाहिर है पाकिस्तान की भी हालात जिस तरह के हैं इस वक्त, अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकाले और आगे के हालात बेहतर करे। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, इंशाल्लाह जल्दी आपसे भी, मैं लाला से बात करूं, ऑडियंस से बात नहीं कर रहा, अभी हम हैं, प्रोग्राम अभी चल रहा है, बट लाला आपको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत और खुदा हाफिज़। जी लाला बहुत बहुत शुक्रिया और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से भी। सो ये डिस्कशन हमारी शाहिद खान आफरीदी से तो हुई, मगर जब हम रमज़ान की बात करते हैं, जब रमज़ान क्रिकेट की बात करते हैं, सो कराची में ये एक बहुत मज़ेदार ट्रेंड है, ये रमज़ान में क्रिकेट खेली जाती है, एक मेला सज जाता है। पहले हमें ये दिखता था सिर्फ कि मेंस क्रिकेट होती थी कराची में, और मेंस क्रिकेट पे जो है वो रमज़ान टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे अलग अलग जगह, बट पिछले कुछ सालों से जो है बड़ी कंटिन्यूटी में टूर्नामेंट होने लगा ख़वातीन के लिए, खेलो ख़वातीन के नाम से, और स्पोर्ट्स राइटर हैं और इस की मैं कहूँगी कि फाउंडर हैं इस पूरी जो ये सेटअप है खेलो ख़वातीन का, हदील उबैद वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो हदील सबसे पहले तो वेलकम टू गेम सेट मैच। Thank you, Savera. Thanks for having me. अच्छा हदील, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, कितने सालों से हम खेलो ख़वातीन के ये टूर्नामेंट्स जो है वो होते हुए देख रहे हैं, और अभी क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का मसला था सारा, इस वजह से नहीं हो सका, तो कितने टाइम फ्रेम से आप ये रेगुलरिटी में करवा रहे हैं? तो सवेरा हमने शुरू किया था 2016 में रमज़ान में,
वो हमारा पहला रमजान था एंड वी थॉट के देखते हैं कि कैसे रिस्पांस आएगा. तो हमने 2016 में शुरू किया था, देन हर साल हम इसको करते गए. हमने एक एनुअल इवेंट एसेंशली बनाया था इसको कि रमजान में रात को टेप बॉल का वुमेन्स टूर्नामेंट होगा. एंड देन अनफॉर्चुनेटली पिछले दो साल से कोविड की वजह से 2020 और 2021 में जो ग्राउंड्स बंद थे तो हम नहीं कर पाए. एंड अगेन अब थैंकफुली लग रहा है कि कोविड जो है वो काफ़ी बेहतर इसकी सिचुएशन हो गई है. सो वी आर अगेन प्लानिंग के इस साल हम दोबारा इस खेलो खवातीन टूर्नामेंट को करें एंड और लड़कियों को इनकरेज करें क्रिकेट खेलने के लिए. हाय हदील, दिस इज अदील. एंड आपका मैं अभी आई वाज जस्ट लुकिंग एट द जो प्रमोशनल आपने एक पोस्टर बनाया हुआ है. सो यू आर इनवाइटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर दैट. सो अभी जो हमारा प्रोग्राम देख रही हो खवातीन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, सो डू यू रजिस्टर द टीम और द इंडिविजुअल प्लेयर्स और डू यू मेक द टीम आउट ऑफ दैट? हाउ डज द टूर्नामेंट फॉर्मेट वर्क? So it works both ways. Ek tarika hai that if you have a team that's ready-made, then you can register as a team. But the second way is ke bahut ladkiyan hain jo who do not belong to any team ya unki doste nahi khel sakti and they really want to participate, so then we kind of curate teams. And that is just done based on understanding ke ek wicketkeeper hona chahiye, itne batters, itne bowlers, itne all rounders, and so that's kind of then how we'll create the team. So whether you are individually wanting to play ya apne team ke sath khelna chahe, we're opening registrations to everyone. Aur kitni teams hain is pure tournament mein? Agar main 2016 se aur ab tak baat karun, kya teams, number of teams badi hain, zyada aapko ladkiyan interested dikhi hain khelne ke liye? Absolutely. 2016 में जब हमने शुरू किया था तो we had no idea कि लड़कियाँ आएंगी रात को रमज़ान में टेप बॉल क्रिकेट खेलने के लिए, because you know कि हर गली में लड़कों की क्रिकेट खेली जाती है, but लड़कियों का टेप बॉल नाइट क्रिकेट इज़ अ वेरी रेयर थिंग. तो जब हमने शुरू किया था तो 2016 में हमने सिर्फ एक रात का टूर्नामेंट किया था विद 4 टीम्स, एंड अब वी आर लुकिंग समवेयर बिटवीन 8 to 10 टीम्स. तो इट्स वी डेफिनेटली सीन इट ग्रो. Yeah, absolutely. So just in case, I mean, ये मैं देख रहा था, this tournament is going to take place at Kokan Ground, क्योंकि कराची में बहादराबाद के एरिया में. और मैं अभी सवेरा को बता रहा था कि that's the ground where I'm there every morning. Well, that's where I do my morning run. अभी वहाँ पे ना recently खाद पड़ी है. It's a beautiful little ground. और अभी recently वहाँ fertilizer खाद वाद हुई है and the green looks amazing. So good luck, Hadil, for this tournament. So how's the registration? Has the registration started or how's the registration going? The registration started. It started about 5 days ago or 6 days ago and we've got a very good response. Bahut ladkiyon ne register kiya hai, bahut ladkiyan inquiries hain. A lot of parents have called us to inquire about it. Very nice. Especially jo ladkiyon ki cricket hoti hai, it's a very community based cricket. You know, everybody's parents, siblings, sab involved hote hain isme. So we've gotten a great response so far and we're hoping that, you know, inshallah this can be an even bigger tournament than the one that we've done before, and maybe next year, you know, we can get some teams from Lahore and other cities also to fly down. Wow. And really make it a tape ball extravaganza. बिल्कुल जी, मतलब खेलो खवातीन ये टेप बॉल टूर्नामेंट है जो कि खेला जाएगा रमज़ान में. नाइट क्रिकेट खेली जाएगी 14th, 15th and 17th अप्रैल को. आपने रजिस्टर करवाना है तो आप भी करवा सकते हैं, आपने अपनी बेटी को रजिस्टर करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं. बट दिस इज़ सो इनकरेजिंग कि हदील आप बता रही हैं कि पेरेंट्स कॉल करके और वो बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि एक शिफ्ट, एक चेंज आ रहा है जिस पे बहुत लोग अपने अपने क्राइटेरिया से जो है दे आर फाइटिंग फॉर इट. के ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा गली में निकल के लड़कियों के लिए खेलना बहुत मुश्किल है, सो यू हैव गिवन देम दैट सिक्योर एनवायरनमेंट एंड दैट क्लोज एनवायरनमेंट जहाँ पे वो कंफर्टेबली उनके पेरेंट्स उनको भेज सकें और खेल सकें. और जब हम बात करते हैं कि ये जब अरेंज करते हैं, इतना आसान नहीं होता एक टूर्नामेंट अरेंज करना, तो हदील मतलब हाउ डू यू मैनेज ऑल दी स्पॉन्सर्स, फाइनेंसेस, ये सारा कुछ कैसे? You know, it's tough. I would not say ki itna zyada aasan hai, because I think kafi timeon se lag raha tha ki women's ki cricket jo hai, it was almost like a charity sort of a situation. Jab humne 2016 mein shuru kiya tha to it was kind of, you know, ki अच्छा आप लोग लड़कियों का टूर्नामेंट कर रहे हैं, दे वांट दैट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट वाजंट देयर. आई थिंक अब एज द इयर्स हैव गॉन बाय ज़्यादा लोग वुमेन्स की क्रिकेट पे अवेयरनेस शुरू हो गई है, ज़्यादा कंपनीज जो हैं बैक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यू नो वी हैव डेफिनेटली बीन लकी कि हमारे पास स्पॉन्सर्स आए हैं हर साल. यू नो वी हैव नेवर हैड अ ईयर सो फार जहाँ यू नो वी हैव नॉट फाउंड कंपनीज हु हैव अलाइन्ड विद आवर इंटरेस्ट. कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं, यू नो, एंड उन्हीं, आई मीन हम जो भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ खेलो क्रिकेट एंड खेलो खवातीन,
we try to give back as much as possible to the girls. And I think Ramadan ke tournament mein hum maximum prizes dete hain, cash prizes dete hain for the winners and runners up team, kits dete hain. We try and create as much of a professional environment as we possibly can, keeping in mind ki literally amateur tape ball mein to koi bhi uth ke aa sakta hai khelne ke liye. And I think that's the encouraging part. And Hadil, is there any registration fee? Kuch paise dene padte hain apne aap ko register karwane ke liye? It's free. There is a registration fee. The registration fee is 1,000 rupees per player. And the reason why we do the registration fee is it's almost like a security. Ke agar aapne register kiya hai and you've given it, that means you're going to show up. Because we've had experiences in the past when it's been completely free. And what we've noticed is ke obviously phir, you know, last minute you can have dropouts, you can have situations. This sort of helps create it and make it more of a professional environment. बिल्कुल जी अदील, मतलब ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त एक आपका इनिशिएटिव और जितने टाइम से आप इसको लेकर चल रही हैं, गुड लक टू यू एंड आई होप कि ये खेलो ख़वातीन जो है ये इस दफ़ा और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पिछले सारे जो आपके सीजन्स हुए हैं उसके मुकाबले में. बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड गुड लक. आई होप दिस टूर्नामेंट वुड गो वेरी वेल. थैंक यू सो मच सवेरा, अप्रिशिएट इट एंड वी होप दैट यू नो गर्ल्स कम, दे रजिस्टर एंड दे हैव फन. आओ खेलो क्रिकेट, रमजान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि दिस इज द काइंड ऑफ फन. अच्छी बात है कि हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ जो है वो टिल्टेड रहें. मोहल्ले में, गली में लड़के जरूर खेल रहे होते हैं, अलग अलग स्टेडियम्स में टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, बट फिर यहाँ पे खवातीन के लिए भी कुछ मौका होना चाहिए, तो वो मौका हमने देख लिया. एब्सोल्युटली, और वो सारा कराची का मेन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट करीब ही है, तो सिर्फ खवातीन अब शॉपिंग नहीं करेंगी, अब वहाँ पे करीब कोकन ग्राउंड में आके क्रिकेट भी खेल सकती हैं. दैट इज ब्रिलियंट. सो दिस इज इट फॉर दिस वीक. यस, दिस इज इट फॉर दिस वीक. दिस वीक एंड रमजान मुबारक. या बिकॉज अब जब हम प्रोग्राम करने आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली रमजान होगा. हम जो है प्रोग्राम करने, क्या पता आपको यूट्यूब पे लाइव दिख रहे होंगे, बिकॉज रमजान की गहमा गहमी शुरू होने वाली है. समा टीवी के साथ आप लोग अपना रमजान गुजार सकते हैं. समा टीवी के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं. कुतुब ऑनलाइन आप देख सकते हैं और इवेंचुअली आप अपना पूरा रोज़ा समा टीवी के साथ गुजार सकते हैं. बट गेम सेट मैच के लिए यहाँ से बस इतना ही. आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो. आई होप आप सबका पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरे. बट थैंक यू. गेम सेट मैच का वक्त ख़त्म हो गया. आप लोगों ने रखना अपना ख्याल. टेक केयर, बाय. What a